छोटी सी मशीन लेकर आए हैं, और ये मशीन जनाब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसकी कीमत ज्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए की है। इस मशीन से बिस्किट तैयार किए जाते हैं और रेसिपी भी हम बताएंगे, मशीन भी हम देंगे। आप भी 2023 में परेशान है बिजनेस की वजह से, आप भी कोई कारोबार करना चाहते हैं अपना, तो आज की वीडियो आपके लिए है। अगर आप घर में खवातीन हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, बूढ़े हैं, जो भी आपकी एज है, कोई मैटर नहीं करती, इसकी सेल इतनी है कि आप खुद सोचेंगे कि आपका माल जब बनाते हैं उसी टाइम सेल हो जाता है, जब प्राइस इतनी कम है कि एक मिडिल क्लास बंदा भी ये मशीनें जो है ना ले सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आज हम किस मशीन के बारे में बात करेंगे और इसका कितना स्कोप है? सकलेन भाई, आज की इस वीडियो में हम आपके देखने वालों के लिए एक छोटी सी मशीन लेकर आए हैं, और ये मशीन जनाब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसकी कीमत ज्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए की है। क्या बात है जी। और हर घर में इस मशीन से बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं वो यूज होते हैं। इस मशीन से बिस्किट तैयार किए जाते हैं, और बिस्किट बनने के बाद जिस मशीन से तैयार किए जाएंगे, मतलब बेक किए जाएंगे, वो मशीन भी यहाँ पे हम लोग ले सेटअप आप लोगों को देंगे कि आप अपने घर से इस बिजनेस को शुरू करेंगे और घर में ही पकाएंगे, घर में बनाएंगे, घर से ही पैक करके इसके बाद सेल करेंगे। रेसिपी भी हम बताएंगे, मशीन भी हम देंगे, इसके बाद पूरा तरीके का मार्केटिंग का वो भी हम आप लोगों को सिखाएंगे। सिर्फ आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, माइनर सी इन्वेस्टमेंट है, 1500 रुपए की ये मशीन। सबसे पहले इसका इस्तेमाल बता, हाँ इस्तेमाल भी बताते हैं, और इस मशीन के साथ क्या क्या चीजें दी जाएंगी वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। सबसे पहले इस मशीन के अंदर से ये पेज है, इसके ऊपर सारी पूरा तरीकाकार लिखा हुआ है। इस मशीन के साथ आप लोगों को 8 डाइयां दी जाएंगी, 8 मुख्तलिफ किस्म के बिस्किट आप लोग तैयार कर सकते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये बिस्किट आप लोग जिस जिस तरीके के बना सकेंगे वो यहाँ पर मेंशन किए गए। इसके बाद टॉपिंग करने के लिए, ऊपर मुख्तलिफ डिजाइनिंग करने के लिए, ये आप लोगों को डिजाइनिंग करने के लिए दी जा रही है। क्या बात है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें इस मशीन को यूज कैसे करना है, तो यूज करने का तरीका बहुत ही आसान है। इसको ओपन करना है, ओपन करने के बाद यहाँ पे इसमें से एक डाई लगाएंगे, डाई लगाने के बाद इसको ऐसे बंद कर देंगे, मतलब बच्चे भी ये काम कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे, वेरी गुड, इतना ही आसान है। इसके बाद यहाँ पे ऐड करना है, जी जी, ऐड करने के बाद ऊपर से बंद कर देना है, जी, बंद करने के बाद ऐसे प्रेस करते जाना है, जी जी, बिस्किट बनना शुरू हो जाए, शुरू हो जाएंगे। क्या बात है जनाब। हाँ, ट्रे के ऊपर बिस्किट बनाए, बनाने के बाद नेक्स्ट मरहला जो आता है बेकिंग का। अब बेक करने के लिए आप लोगों को एक अदद तंदूर की जरूरत पड़ेगी, जी जी। आप लोग भट्टी के अंदर भी बेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग एक प्रोफेशनल तरीके से काम करना चाहते हैं तो आप लोगों को इस तरह के तंदूर की जरूरत पड़ेगी। घर में जो तंदूर है वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग हमसे तंदूर खरीदना चाहते हैं तो ये तंदूर आप लोग खरीद सकते हैं। इसका फायदा क्या है ये भी बताते हैं जनाब। इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि इसको आप मूव करके कहीं पर भी ले जा सकते। इसके अलावा जनाब बिस्किट बनाने के लिए धुएं वगैरह की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अगर धुआं वगैरह आप लोग इस्तेमाल करेंगे, घर की जो है वो भट्टी इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें धुआं जो है वो उठ रहा होता है, जिसकी वजह से जो बिस्किट है उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। सही, वेरी तो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए गैस का ये जो तंदूर है ये हम लोग लेकर आए, गैस ऑपरेटेड है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल गैस लगेगा। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, ये हम लोगों ने स्पेशल तैयार करवाई है जो यहाँ पे ऐड करेंगे, मतलब इसके अंदर रखेंगे। यहाँ पे आप लोग रख दे जनाब ट्रे बिस्किट के अंदर, सही, बिस्किट वाली, और एक यहाँ पे रखने के बाद इसको अंदर रख दें। जी जी। ये तकरीबन 5-10 मिनट के बाद बेक हो जाएंगे। बेक जैसे ही हो जाए इसको निकाल लें और पैक करें, पैक करने के बाद जनाब इसको सेल कर दें। क्या बात है जनाब। अगर आप बिस्किट बेक करना चाहते हैं तो वेल, अगर नहीं करना चाहते तो घर के यूज के लिए भी जनाब ले सकते हैं। सही, ये एक छोटी फैमिली के लिए अच्छा तंदूर बेहतरीन बना हुआ है। कीमत की बात करें, अकेला तंदूर लेना चाहते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ मिलेगा 8000 रुपए का, मतलब के 9500 रुपए का आपका ये एक छोटा सा बिजनेस शुरू हो, एक छोटी सी फैक्ट्री लगाएंगे घर में। जी बिल्कुल सही, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब ये बता दें, फैक्ट्री आपसे लोग लेते हैं, सेटअप लगा लिया उन्होंने, रेसिपी कैसे तैयार करनी? रेसिपी बनाने का मुकम्मल तरीका हम देंगे जी, कैसे आप लोगों ने तैयार करने बिस्किट ये भी हम बताएंगे। क्या A to Z इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को प्रोवाइड। क्या बात है, वेरी गुड। उसके बाद सेल कहाँ पे करना है? सेल करने का तरीका इंतहाई आसान है, जैसे बेकरी वाले सेल करते हैं दुकानों पे, इसी तरह दुकानों पे सेल करें, खुले भी सेल कर सकते हैं और पैकिंग पैक करके भी सेल कर सकते हैं। सही, क्या बात है। आप इनसे रब्ता करें, आप ये घर मंगवाएं, मुकम्मल बिजनेस आइडिया लें, मुकम्मल रेसिपी वगैरह जानें, इनका नंबर शो हो रहा है,
आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं और इनका वेयर हाउस भी विजिट कर सकते हैं। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद होगी। अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और इनसे मशीनें वगैरह ज़रूर मंगाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।